किसान संघर्ष कमेटी पंजाब का स्टेट कन्वीनर हो, जो मीटिंग हमने आज की है उस मीटिंग में हमने इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। 4 पॉइंट जो दिल्ली को जाते हैं वो 4 पॉइंटों पर हमारा ब्लॉकेज चल रहा है, हमारा धरना चल रहा है। तो हमने सारे देश में इसको बढ़ाने के लिए योजना बनाई है। उस योजना से कल 11 बजे शाहजहांपुर से जयपुर दिल्ली वाला जो रोड है उसको रोकने के लिए हजारों किसान कल 11 बजे वहां से मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे शाहजहांपुर से, नहीं राजस्थान से, बॉर्डर से वहां 11 बजे वो करेंगे। आज जो हमने कॉल किया था सारे देश में कि टोल प्लाजे फ्री किए जाए, हरियाणा के सभी टोल प्लाजे आज फ्री हैं। देश की बाकी रिपोर्ट वो जो अभी तक हमारे पास आई नहीं, पंजाब में तो सारे टोल प्लाजे 1 अक्टूबर से फ्री चल रहे हैं, तो रिपोर्ट हमें शाम को आ जाएगी। दूसरा हमने फैसला किया है कि 14 तारीख को सारे देश के डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किए जाएंगे। तो हमने फैसला किया है कि 14 तारीख को जो हमारी 32 किसान जथेबंदियां हैं वो 14 तारीख को यहां स्टेज पर बैठ कर, 14 तारीख को यहां स्टेज पर बैठ के 8 से लेके 5 बजे तक सारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, वो अनशन पे बैठेंगे। तो हमने सरकार को आपके माध्यम से ये बता दिया है कि जो 3 कानून हैं इन 3 कानूनों पर हमारा आंदोलन केंद्रित है। 3 कानूनों पर मांगे तो और भी हैं, हमारी पराली वाली है, बिजली वाली है, एमएसपी वाली है, पर जो केंद्रित है इस वक्त वो केंद्रित 3 कानूनों पर है। हम 3 कानूनों को रिपील कराना चाहते हैं, रद्द कराना चाहते हैं। इस केस में जो संशोधन है वो संशोधन हमें मंजूर नहीं है। अगर सरकार हमें बातचीत का न्योता देती है तो हम बातचीत से इनकार नहीं करेंगे। हम जो सरकार हमारे साथ बैठक करने की बात करेगी हम उसके साथ बैठक करेंगे। तो केंद्र तो इन 3 कानूनों पर ही रखेंगे। जितनी देर तक ये 3 कानून रद्द नहीं होते उतनी देर तक हम 4th मांग पर नहीं जाएंगे। पहले ये 3 कानून खत्म हो, रद्द हो, फिर 4th मांग की बात करेंगे, फिर 5वीं मांग की बात करेंगे। हमने एक फैसला किया है, हम यहां प्रबंध कर रहे हैं कि हमारी जो मताएं हैं, बहने हैं, उनको हम कॉल कर रहे हैं कि हमारे इस आंदोलन में वो शामिल हो, उनके लिए उनके रहने का प्रबंध, टॉयलेट का प्रबंध, बाथरूम का प्रबंध, ये प्रबंध करके हम उनको इस आंदोलन में शामिल करेंगे। इस आंदोलन को हम और बड़ा करेंगे। सरकार जो चाहती है कि इसको लटका दिया जाए तो शायद
ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। हमारे गांवों से लोग चल पड़े हैं, लगातार ट्रालियां हमारे पास आ रही हैं। आज इन्होंने खलौरी बॉर्डर पर दोबारा फिर बैरिकेड लगाए हैं कि किसान और ना आए। वो बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं, बैरिकेड तोड़ के किसान आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का कोई ऐसा कदम जो इस आंदोलन को फेल करने का हो, वो हम सारे जतन फेल करेंगे। हम इस आंदोलन को पीसफुल रखना चाहते हैं, शांतिपूर्वक रखना चाहते हैं, तो रख भी रहे हैं। हमारी कोशिश है, सरकार ने कुछ छोटे मोटे यत्न किए कि इसमें फूट डाली जाए, इस आंदोलन को भड़काया जाए, लेकिन हमने इस आंदोलन को पूरी तरह से, जो हमारी जथेबंदियां हैं, जो उसके दायरे में है, उसके नियंत्रण में है, तो हम इस आंदोलन को जीत तक जारी रखेंगे। धन्यवाद। सरकार ने कोई 15 तारीख को लेके कोई पेशकश भेजी है? थानू खबर मिल रही है कि 15 को बुलाया मीटिंग ले? जिन्ना चिर साढ़े को ऑफिशियल सद्दा नहीं होगा, सरकार का लिखती पत्र नहीं होगा, उन्ना चिर तक असि कोई गल कर कह नहीं सकते। वर्बली नहीं आया, ना कोई लिखती लैटर आया। सरकार ने अज ही कहा कल फिर कि सानू उन्होंने प्रपोजल भेजी थी, तुम कह के आए थे जवाब देवे, तुम उन्होंने अजे तक इनकुआरी मैन तो सिवाए कोई प्रपोजल का जवाब नहीं दिता गया, उसका कीमती जवाब भेजा? असि प्रपोजल रद्द कर चुके हो। नहीं, अखबार तो करती है, वो कहते सानू नहीं कोई दसा अज तक, पर असि थोड़े राही मैसेज भेज चुके हैं। रिटर्न नहीं करना? नहीं, रिटर्न कहना करना, वह वो तो मैसेज देना भी देता उन्होंने। वो कहते हैं कि मुड़ विचार करो, मुड़ विचार करो, आज प्रधानमंत्री ने फिर बयान देता है क्या? असी कानूना बारे विचार कर सकते हैं, पर जिहड़े संशोधन हैं उन्हां दे साडा कोई विचार नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर कहा कि किसानों के पूरे हित दे विच ने कानून, उन्होंने प्रॉपर बयान दिता कि क्रांतिकारी कानून में सुधार लाएंगे। जहां मोदी जी बोल रहे हैं, हमने ये कानूनों में ऊन तय कमियां गिनाई थी, जो कमियां हमने गिनाई उसको उन्होंने संशोधन मान लिया। हमने कमियां गिना कर कहा कि इन कानूनों में कमियां हैं, इसलिए इनको रिपील किया जाए, इनको रद्द किया जाए। जब वो मांग ही रहे हैं, आप मान रहे हैं कि आपने जो संशोधन भेजी थी शोध पे मान रहे हैं, फिर दिक्कत किस गल दी है? हमने सौदे नहीं भेजी, हमने उनको हमने ये कहा कि आपके कानून में ये कमियां हैं, इन कमियों को हम तुम भी मानो, वो मान के कमियां हैं। जब उन्होंने मान लिए कमियां हैं, तब हमने किया कहा कि इनको रद्द किया जाए। केंद्र सरकार ने कल बहुत क्लियरली दिता है, मोदी ने कहा कि तोमर के दुखी उसकी सुनो की कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप उन्होंने अज पूरे देश का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहेंगे कि ये बिल बिल्कुल ठीक है, कानून बिल्कुल ठीक है। हूँ ये कोई शक रहेगा कि केंद्र सरकार के मन च कोई मुड़ विचार या मुड़ कोई गलबात दसदा है? सरकार पहले भी जो कहती आई है कि जो कानून किसानों के भले के हैं, जब हम टेबल टॉक किया उनके साथ, टेबल पर जाके हमने बोला कि ये कानून हमारे पक्ष में नहीं जाते, ये कानून हमारे किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून ट्रेडर के लिए बने हैं, ये कारपोरेट घरानों के लिए बने हैं, उनका दाखला खेती बाड़ी में कराना चाहते हैं, ये साफ बात है। तो हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं, ये तीनों कानून, पहला दूसरा तीसरा, ये एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। जितनी देर ये तीनों कानून रद्द नहीं होते, उतनी देर तक हमारी जमीनों की गारंटी नहीं है, हमारी मंडियों की गारंटी नहीं है। क्योंकि 17 दिन हो गए,
ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂਪੁਰ ਵੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਟਿੱਕਰੀ ਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਹਾਲ ਦੀ ਅਭੀ ਤੋਂ ਜੀ ਐਸੇ ਚੱਲੇਗਾ 14 ਤਰੀਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਂ नई रणनीति क्या बनती है कैसे बनती है उस पर हम विचार करेंगे। सर आपने जयपुर के बारे में बताया कि जयपुर कल ब्लॉक करेंगे, इसका आगरा रूट का क्या है अभी उसका स्टेटस कुछ पता नहीं चल पाया, कोई ब्लॉकेज तो हुआ नहीं आज आज नहीं कल को कल चलेंगे वो भी वहाँ पर भी आगरा वाले रूट क्योंकि पलवल बंद है गाजीपुर बंद है पलवल बंद है टिकरी बंद है कुंडली बंद चार बंद है। ये जो सर ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के वीएम सिंह हैं, इन्होंने बोला है कि एमएसपी पर खरीद का आश्वासन और परचेज की गारंटी अगर सरकार दे तो बातचीत से समाधान हो सकता है, फिर आप कह रहे हैं कि बिल वापस। हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, इस आंदोलन का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। वो उससे पूछे हम उसके बारे क्या कहें, हमारे साथ ही नहीं है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जो कहा कि 28 से 40 घंटे के अंदर बातचीत के जरिए समाधान हो जाएगा और काफी होपफुल हैं वो कि ये बातचीत अब अंतिम दौर में होगी और खत्म होगी मुद्दे, तो क्या आप लोगों की बातचीत हुई है दुष्यंत चौटाला से? बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हमारी उसके साथ। बयान कैसे दे रहे हैं वो अपनी मर्जी उनकी। उन्होंने बयान से कंट्राडिक्ट एक दूजे नूं कट रहे हैं, तोमर साड़ी मीटिंग मन रहा कि कमियां है तुरन चो कह रहा किसानों नूं वहम हो गया। तो सर समाधान वाले सारे बयान को आप खारिज कर रहे हैं, तो बातचीत से फिर तो समाधान ही तो निकलेगा। मैं कहा जा रहा है तीन मंगा को तो ऑफिसर बाकी तुसी बाद दी गल करोगे, इदा मतलब की समझा जावे भी जे तीन मंगा सरकार रद्द कर दिए फिर उनां नूं उस तो बाद तुसी अंदरन वापस करोगे बाकी से गल बाद विच करोगे या तीन तुसी चाहुंदे हो कि तीन सब तो तुहाडे लई इंपोर्टेंट सब सरकार अब जो कह रही है जो उन्होंने प्रपोजल भेजा उसमें वो कह रहे हैं पराली वाला भी कर देंगे बिजली वाला भी कर देंगे एमएसपी पर गारंटी कर देंगे लिखती भरोसा दे देंगे, लेकिन जितनी देर तक सरकारी खरीद की गारंटी नहीं रहती उतनी देर तक एमएसपी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मतलब मैंने पहले भी बताया आपको कि पहले तीन कानून हैं, इन पर बात चलेगी, इनको रद्द कराएंगे पहले तीन, ये फिर चौथी मांग, फिर पंचवीं मांग, फिर छठी मांग। सर ये जो आपने वुमेन प्रोटेस्टर्स के बारे में कहा है उनको आप लोग चाहते हैं कि आए महिलाएं जुड़े आपके इस आंदोलन के साथ, तो क्या वो पंजाब से ही अपील कर रहे हैं या सब जगह से हरियाणा और देश से? हम पूरे देश में अपील कर रहे हैं। कदों तक प्रबंध कर लोगे बीबियां लिए जड़ सी करें कॉल करा? हम 15 तारीख तक उनका प्रबंध कर रहे हैं, उनके लिए वक्री जगह बैठने के लिए, उनके लिए टॉयलेट का बाथरूम का प्रबंध करके हम उनको यहाँ लेके आएंगे। असि आप ये हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रबंध करेंगे। कोई सोम प्रकाश और ने भी कोई कोशिश की है सरकार दे विचार कोई दोबारा गलबात शुरू करने का? अभी तक हमारे नोट्स में ये नहीं आई, जब आएगी आपको बता देंगे। खेती बाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर ने कल क्या है अपील की सारिया किसान जथेबंदियों की अपने स्टेजा तो जड़िया जेडे मतलब वक्वादी लोग है उन्होंने ना बोलन की आग्ञा दी जाए, ये अपील की गई है। हमारी स्टेज पर ऐसी कोई बात नहीं चलती, हमारी स्टेज पर जो लोग बोलते हैं हम उनको कहते हैं कि किसानी जो मुद्दा है उस पर बोला जाए, किसानी मुद्दे पर बोलते हैं। खास करके 10 दिसंबर में जिहड़ा उग्राहा जथेबंदी दे वल्लों कीता गया उन्हें लेके शायद उन्होंने कीता, वो उग्राहा की बात है, वो जवाब दे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਸਮਾਰੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਉਨਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਉਨਕੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਉਨਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਆਪੇ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ
उसके जिम्मेवार वो है, हम नहीं है। मैं आंसर दे रहा, मेरा हरमीत सिंह कादिया जेड़े तालमेल ना चले से पहले दिन तो बत्ती जत्थे बलिया वो तालमेल में थे हमारे साथ, 32 जथेबंदियां थी उन्होंने तालमेल थे, वो कहते हम लग प्रोग्राम भी अपना कर सकते हैं, जो हमारी 32 जथेबंदियां हैं ये प्रोग्राम एक देती हैं, एक फैसला करती है, मीटिंग करते हैं, वो हमारी मीटिंग में नहीं आते, वो तालमेल में है। सरकार के साथ बात करने के बाद 3 कानून है और 2 ऑर्डिनेंस है, उसमें हमारा साथ दे रहे हैं, वो मुद्दे हमारे एक है, बाकी वो अपने तालमेल में चलते हैं। और जो वो 10 तारीख की बात है वो उनकी स्टेज में हुई है, हमारी 2 स्टेज चलती है, एक यहाँ चल रही है, एक वाकी करी, ये हमारी सांझी स्टेज है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई। बिल्कुल यही गल लैके अभी चलनी है, असि भी जिथे बंदी ऑडियोलॉजी लगा, हाँ जी पहला भी चल हुई है गलबात, 3 कानून 2 ऑर्डिनेंस से साड़ी सांझ है, होर कोई गल उन्होंने सांझ नहीं साड़ी। वैसे ही बहुत बड़ा है, अब आप महिलाओं को शामिल करेंगे तो क्या फाइनेंशियल सपोर्ट का अपील कर रहे हैं आप लोगों से? फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है यार, ये लोगों का अपना खुद का आंदोलन है, खुद कला लेकर आए हैं, ट्रैक्टर ट्राली हमारी खुद की है, किसानों की है, और राशन भी खुद लेकर आए हैं, और यहाँ जो भी चल रहा है वो पब्लिक सपोर्ट से चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। यहाँ एसोसिएशन जो भी प्रबंध करेगी वो लेडीज के लिए तकलीफ आ रही थी, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया अभी तक 17 दिनों तक, तो हम लोगों को अपील कर रहे थे, वो आ रहे हैं, बस सर्विस लगी हुई है फ्री में, आ रहे हैं, जाते हैं, वो लेडीज की मांग थी कि हम आकर यहाँ आंदोलन में बैठना चाहते हैं, तो उनके लिए अरेंजमेंट करना जा रहा है, वाटर प्रूफ टेंडिंग होगी और बाथरूम होंगे। जिहड़ियां मीटिंगां होईयां सी उह 'च 7-7 घंटे बिठाई रखिया साडे तों, 7-7 घंटे साडे नाल डिस्कशन कर ली, उस तों बाद भी अगली मीटिंग वी 7 घंटे, तां उस तों बाद मौन वर्त तां ही रखिया गया सी वी असीं अपनी गल पूरी समझाउण 'च सफल हो चुके हैं। वो सफलता की तुम कुंजी यह देख सकते हो भी जेड़ा उन्होंने प्रपोजल सू भेजी उस 9 मंगा मतलब मनिया उन्होंने अमेंडमेंट कर लो भी इतने बातचीत हो सकती है, अमेंडमेंट हो सकती है, 15 असी लिख के दिखाई हुई ने, हाले बाकिया की भी रही है ना, एक जी पॉइंट्स लिख के दते कले अलग ने, तो जी आप लाइन लिखते हैं जी मंग लिख देंगे भी यह प्रपोजल हो भी जाऊगी, जे अच्छ साढ़े तो कोई कसूर रह गया उस प्रपोजल लॉ बन दे जो कलू साने नुकसान होया वह जिम्मेवार कौन होगा, इस करके एक कानून दे विच इन्ना ज्यादा इफेक्ट है भी इन बैकलैंड की नुकसान है, असं अपने नुकसान दसते भी फार्मर नूं कहड़े कहड़े नुकसान है, गवर्नमेंट भी दसे ना बैकलैंड उन्हूं रिवील करन च की नुकसान, वो अपना स्टैंड क्लीयर करे भी उन्हूं की नुकसान हुई है, ईगो प्रॉब्लम आ कोई गवर्नमेंट नैशनलिज्म की गल आ, असीं कहड़ा जाके पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री तों मंग रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री तों मंग रहे हैं। जदन अज 77 दिन हो गए पूरे जल्द घरों सारे लीडर बाहर निकले हैं, सारे किसान लामबंद कर गए इस गल पिछे, ये ईगो नहीं है साड़ी, साड़े जिहड़े काम कर रहे हैं साड़ी किरत जांदी है, जमीन जांदी है, साड़े भाव जांदे है, साड़े अगला भविख जांदा, असी तो गल समझाउण सफल हो गए उन्होंने, उन्होंने हुण ईगो आ, असी तो साड़ी रोटी पानी तो जावांगे जमीन तो जाने साड़ी जमीन आ, कहे जे कानून बनाए थे जिहड़े लख लाख लिखता सी ठेके दे दोगे तो उही बंदा अपना उह ते फैसला लै सकदा, हुण मन गए ना, आही 15 दिन पहला कहते थे कोई कसूर ही नहीं है, दुगनी आमदन हो जाऊगी किसान की, ऐदा होर कसूरी बहुत ने जी निके निके आप डिस्कस करा, उन्होंने भी 7 घंटे लगे अपने तक घंटे की भी नहीं है प्रेस नोट। हाँ जी नहीं बाइकट क्यों करिए जी, असी तो वापस कराने गलबात में बाइक हो गए टेबल टॉक तो ही होने हैं, जिन्नी गल आगे मना लिया शायद 2 मीटिंग होर 2-4 मना लिए।
मीटिंग बुलाओ जेडे थोड़े बाकी कानून रह गए भी थोड़ी तसली करा देंगे जिन्हें हम आह गल की तसली करी नौ नौ की बाकी भी पूरी तसली करावे मीटिंग त करनी है भी थोड़ू जेड़े वो एक एंगल हों गल कर अपने एंगल से करते असं अपने एंगल से दसा किसान की नुकसान हमारी जो बत्ती ऑर्गेनाइजेशन है बत्ती जथेबंदियां हैं हमारा उन पोस्टर के साथ कोई संबंध नहीं है। जिस जथेबंदी का उस पोस्टर के साथ संबंध है वो जवाब दे सकती है, आप उसको सवाल करें, हमारा ये सवाल हमारे ऊपर नहीं बनता। हम मीटिंग करके आए हैं, बत्ती आए हैं अंदर से, हमारी बत्ती जथेबंदियों की मीटिंग का हिस्सा नहीं है। सर क्योंकि शुरू से आप लोगों ने कहा कि तीनों बिल वापस ले रहे हैं, अब सरकार के साथ बातचीत में आप लोगों को बीच का रास्ता लेने में कोई दिक्कत आ रही है क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा यहाँ पर है? आप जो तीनों 33 संगठन के नेता हैं उनको क्या बीच का रास्ता लेने में कोई दिक्कत आ रही है भीड़ की वजह से? किसान मानने को तैयार नहीं है वापसी से कम पे? अरे भाई हमने उनके साथ जब भी मीटिंग की हर क्लोज पे चर्चा हुई, हर आर्टिकल पे उनको बताया कि ये गलत है, पूरे का पूरा उनको कानून बता दिया, तीनों कृषि कानून बता दिए जो गलत हैं, पूरी चर्चा हो चुकी। अब जब ये चर्चा हो चुकी सरकार नहीं मानने को तैयार, इसका मतलब क्या है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमको उलझाना चाहती है। सरकार तो पहले कहती थी कि बिल्कुल ठीक है किसान के फायदे में है, लेकिन अभी क्या है, अभी क्यों मान रहे हैं कि इसमें शोध कर देते हैं? ये मानकर चलिए कि ये पूरे के पूरे गलत हैं, इनको पूरे को रिपील करना है, रद्द करना है, सरकार हमको उलझाना चाहती है। सवाल दूसरा था, क्या बोली के दबाव में आप जो किसान लीडर हैं उनको बीच का रास्ता लेने में दिक्कत आ रही है? अरे भाई दबाव क्यों, हम खुद किसान हैं, हम पे दबाव किस बात का, हम खुद किसान हैं, जितने ये लीडर हैं सब किसान हैं, इनको मालूम है कि ये जो कानून है ये हमारे लिए मौत का प्रमाण है, ये हमारी जो खेती है किसानी है उसको दीमक की तरह चाट जाएंगे। तो फिर भाई हम क्यों नहीं समझते, दबाव की क्या बात है, ये हम खुद बात करते हैं, हम खुद किसानी करते हैं, हम खुद खेत में हल जोते हैं, तो हमको ये किसी के दबाव की क्या बात है, हम तो उनके साथी हैं। ये जरूरी होता है कि जब कोई संगठन बनता है उसमें किसी को आगे कर दिया जाता है, हमारे भाई हैं सब, तो ये सारी बातें हम जानते हैं खुद ही। और मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि 15 तारीख के बाद पूरे भारतवर्ष से जितने मजदूर किसान हमारी बहनें हर गांव से जितने आ सकते हैं खुले मन से इस आंदोलन में शामिल हो, यह हमारी मीटिंग में बात तय हुई है और हम इसको आंदोलन को और तेज करने जा रहे हैं। सीधी सी बात है, हाँ जी पूछिए। पीएम मोदी ने कहा है कि जो कानून है ये छोटे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, यह आंदोलन कहा जा रहा है कि बड़े किसानों का है, तो इस पर क्या? अरे भाई मैं तो पहले बोल चुका हूँ कि ये हर किसान जानता है, छोटे किसानों के लिए तो ज्यादा घातक है ये तो देखिए ना, ये छोटे किसानों को तो खाना चाहते हैं, उसको खिलाना चाहते हैं पूंजीपतियों को, ये छोटे किसानों की तो लूट होगी, कहां छोटा किसान लेके जाएगा दूसरी मंडी में, तो ये बात सारी लूट की चल रही है, तो ये लूट को बंद करने के लिए ये लड़ाई है, पूरा आंदोलन है, तो ये जो सरकार है उन पूंजीपतियों को सपोर्ट कर रही है, वो तो मान लिया उन्होंने। मेरा नाम है मंजीत सिंह राय, स्टेट प्रेसिडेंट हूँ भारतीय किसान यूनियन द्वारा पंजाब। प्रेस वाले भाइयों बात जी समझिए, मैं मेजर सिंह पुनावाल जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान सभा। जितों तक कानूनों को वापस लेने की बात है, किसान मानता है हमारे डेथ वारंट है, डेथ वारंट में डेथ के वारंट वापसी कराए जा सकते हैं, तब जीवन है, जहां जीवन है जहां मौत है, किसान वहां जो पहुंचे हैं इनको खत्म कराने के लिए यहां पहुंचे हैं। दूसरी बात जो मीडिया की तरह जहां सरकार बोलती है कि इसको हाईजैक कर लिया, कभी अर्बन लक्स लिए बोलते हैं, कभी उस स्टेज की बात बोलती है, हम मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, देश की आजादी के समय और आज जो संघर्ष है
धर्म निरपक्षता की सब तो वड्डी जरूरत की यह उदाहरण है। जे सरकार जे बोलती है तो जहां पर जे भी मालूम हो रहा है वहां बख-बख भाषा बोलने वाले किसान बख-बख स्टेटों के बख-बख धर्मों के संबंधित बात कर रहने वाले किसान जहां एक मुठ है वो एक ही बात सोचते हैं, हम किसान हैं, चाहे हरियाणा के हैं, चाहे उड़ीसा के हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे कोई भी बोली बोलते हैं, हमारा निशाना है। जे कानून किसान विरोधी है, जो देश विरोधी है, संघी ढांचे के खिलाफ है, हम उसको रद्द कराना है। प्राइमरी मुडली सबसे पहला है तीनों कानूनों को रद्द कराना। हम ऐसी भी सोचे सरकार तो वो धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है। इस संघर्ष ने किसानों के ने सभी धर्मों के सभी जाति के सभी स्टेटों के किसानों को इकट्ठा किया है। ऐसे बड़ी का देश में कोई और उदाहरण नहीं मिलती। सरकार कुछ भी बोल सकती है। और दूसरी बात, जब हम कहते हैं कानून रद्द कराने की, आप बोलते हैं कि कानून रद्द प्राइम मिनिस्टर कह रहे नहीं होंगे। 7 साल में सरकार चल रही है, उन्होंने जो भी कानून बनाया कभी कुसा मुड़ के नहीं देखा, चाहे धारा 370 हो, चाहे नागरिकता के सवाल पर हो। पर किसानों का जो सांझा संघर्ष है, जिस संघर्ष के सिटे किसानों की बातचीत करके सरकार को मानना पड़ा कि इन बिलों में नुक्स है, किसानों के खिलाफ जाते हैं, अब उस संघर्ष के दबाव थले उन्हें इस कानून को, तीनों कानूनों को रद्द करना पड़ेगा। हम इस उम्मीद से हैं और संघर्ष को इस उम्मीद से लड़ रहे हैं। जो सरकार ने 7 सालों के किसी साथ बात नहीं की, वो किसानों से बात करती है। एक कानून तीनों रद्द होंगे, किसान रद्द करके इन कानूनों को जाएंगे। सवेरे 8 बजे तो लेके 5 बजे तक, एक दिन के लिए नहीं, एक दिन चलना। यूपी की एक डीके जो भालू ग्रुप सुप्रीम कोर्ट च गया, वो साड़ी किसी भी अंदोलन का हिस्सा नहीं। जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का जाण का रस्ता, वो रस्ता यह आ उत्थे सिर्फ ते सिर्फ जिहड़ी स्टेट गवर्नमेंट आ वो अपना केस फाइल कर सकते हैं कि खेतीबाड़ी का विशा स्टेट का विशा वा। कोई व्यक्ति जाके उत्थे इदां दी कोई अपील कर दे, वो शायद ना मन्नी जावे। उत्थे सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा बात तो हमारे जो पंचायत पहले बैठी हुई है सभी ने बात कर ही ली होगी आपसे। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया है उसकी मैंने कॉपी मंगाई है कि वो क्या है, वो तो उसको दूसरी तरह का केस बता रहे हैं कि हमने उनको ये कहा कि आपने जाने क्यों नहीं दिया, आपने आंदोलन को क्यों रोक रहे हैं, इसको बात क्यों नहीं मार, ऐसे वो बता रहे हैं। उसकी कॉपी मंगाई है तो पता चल जाएगा उसका क्लियर क्या है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज का जो सफल जो टोल पे फ्री कराने का प्रोग्राम था, उसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। और एक खबर और आ रही है कि पुलिस ने नाके लगा दिए हैं, जो हमारी पंजाब से और हरियाणा से और ट्रालियां आ रही थी, कई 100 ट्राली आज हरियाणा से शुरू हो गई और कई 100 ट्राली पंजाब से आ रही, तो पुलिस ने नाके लगाने शुरू कर दिए हैं कि उन ट्रालियों को पीछे रोका जाए। वो हम आपकी प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि उनको आने दें, और वरना तो पिछले रोड भी जाम होंगे और सरकार के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि जो चल पड़े हैं वो वापिस नहीं जाएंगे और इस आंदोलन कहीं दूसरी तरह का मोड़ ना ले ले, क्योंकि पीछे जो है वो नेतृत्व तो सारा यहां बैठा है, और जब नेतृत्वहीन कोई आंदोलन हो जाता है तो उसमें फिर गड़बड़ियों के चांस बढ़ जाते हैं, और सरकार शायद ऐसा चाहती है। तो हमारा प्रेस के माध्यम से एक हम ये बात सरकार तक पहुंचाना भी चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि फिर ये आंदोलन कभी ये ना हो कि पूरे रोड बंद करने का प्रोग्राम ये बन जाए धीरे धीरे, तो उससे बचना चाहिए सरकार को भी और उन लोगों को आंदोलन में आने दें। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हम अभी सरकार की तरफ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हैं, आगे भी शांतिपूर्वक रहेगा, लेकिन उसके बीच में जो हमारी जो संगठन है हरियाणा की तरफ से, हमने एक छोटा सा फैसला ये ले लिया है
कि सरकार के ऊपर दबाव जो है वो लगातार बनता रहे और ये ऐसा ना हो कि लोगों में कोई मायूसी छा जाए कि लंबे टाइम से ही बैठे हैं कुछ हो नहीं रहा है, कोई मायूसी छा जाए। इसलिए हमने 19 तारीख को जो शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का, उस पे हमने अनशन पे बैठने का फैसला ले लिया है कि उस तारीख से 19 तारीख तक अगर हमारी बात ना मानी गई तो अनिश्चित काल अनशन जो है हम यहीं पे इसी धरना स्थल पर शुरू कर देंगे। कि अभी अभी तक का जो फैसला है वो केवल मेरे बैठने का है, लेकिन उसके बाद कोई और भी भाई बैठना चाहे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई भी भाई इसमें आगे आ सकता है। लेकिन अभी तक मेरा अपना फैसला ये है कि अनशन उस तरीके से शुरू कर दिया जाएगा यहीं पे जहां पे हमारा मोर्चा लगा हुआ है। बाकी जथेबंदी को तुसी परमिशन ले ली थे? देखिए इसमें निजी फैसला है, परमिशन एक एक मांग कर। देखिए हमारा जो आंदोलन है वो पूरे देश का किसानों का आंदोलन है और एक मत से आगे बढ़ रहा है। हम इसमें ये नहीं है कि कोई अलग से कोई इस तरह का है कि जिसमें कोई आंदोलन को मोड़ दे रहे हैं या आंदोलन को कोई दूसरी तरफ ले जा रहे हैं या कुछ में कोई हमारा कोई उसमें कोई ऐसा अंदेशा है कि इसमें कोई गड़बड़ी होने के चांस होंगे। शांतिपूर्वक आंदोलन है, जो फैसले इस पंचायत में लिए जाएंगे सारे फैसले वही रहेंगे। जैसे अब टोल का लिया है या 14 तारीख को धरने का लिया है, वो जैसे जैसे रहेंगे उसके आगे भी जो फैसला होगा वो ऐसे माना जाएगा। हम पूरे हरियाणा में या पूरे देश में जहां भी हम मैसेज दे सकते हैं वो हमारा फैसला सेम रहेगा जैसे हम पंचायत के बीच में रहते हैं। लेकिन ये तो हमारे संगठन के, हमने आज मीटिंग की थी और हरियाणा के लोग जो है वो थोड़े से उतावले ज्यादा हो जाते हैं, उनको ये हो जाता है भी कुछ हो नहीं रहा, थोड़ा सा उतावले हरियाणा के लोग जल्दी होते हैं, इसलिए ये आंदोलन जो है वो टिका रहे और सिस्टम से चले, इसलिए हमने ये फैसला साथ में ले लिया। थैंक यू। नहीं नहीं वापस कोई नहीं।